हाय गाइस, ट्विन फ्लेम अपडेट बता देती हूँ। ये उनके लिए है जिनकी इनर यूनियन हो चुकी है। अबंडेंस इज कॉलिंग योर नेम। आप बहुत ही हाई डिजर्व करते हो। रिजर्व, रीफोकस ऑन ग्रेटर पाथ। लव मर्ज हो रहा है डीएफ और डीएम का। यूनियन ग्राउंडिंग हुआ है। डीएम जो है अपने ड्रीम्स पे काम कर रहे हैं। डीएफ जो है वो उनके इंस्पिरेशन है। रीयूनाइट हो रहे हैं अपने डीएफ के साथ। डीएम, एवरीवन कैन सी एंड फील योर डिविनिटी। आप कंप्लीटली कॉन्शियसनेस में ग्राउंडिंग हो रहे हो। डिवाइन डायमेंशन में जंप लिया है आपने। आप दोनों कॉन्शियसली ग्रो हो रहे हो और क्रिएट कर रहे हो नेचुरली। डीएम जो है वो पावर पहचान चुके हैं ऑफ यूनियन, पावर ऑफ यूनियन। डिवाइन टाइमलाइन जंप किया है आपने। योर हैप्पीनेस एंड डिविनिटी स्प्रेड इन यूनिवर्स। डिविनिटी ग्राउंडिंग हुई है। बिलीव इन प्रेजेंट पोर्टल, प्रेजेंट कॉन्शियसनेस। आपका जो ब्रांच है वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा है। अबंडेंस एंकर हुई है बिगर वे में। मैनिफेस्टेशन हुई है फिजिकल ड्रीम पे। इनर वर्ल्ड कॉन्शियसनेस आई है। स्टे हैप्पी, एंजॉय लव। हमेशा सच बोलें, ट्रूथ बोलें और रिफ्लेक्ट करें ट्रूथ को। यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस। अपनी रियलिटी, सी द रियलिटी इनसाइड यू। डिविनिटी आ रही है, स्प्रेड हो रही है। डिविनिटी मैनिफेस्ट हो रही है। वर्ल्ड इज हियरिंग योर वॉइस। ट्रूथ इज कमिंग आउट। गोल्डन एरा क्रिएट कर रहे हो। यूनियन वननेस में आए हो। यूनिवर्स इज रिकॉग्नाइजिंग योर पावर्स एंड मिराकल्स। आपकी डिविनिटी स्प्रेड हो रही है। आपका सोल शाइन हो रहा है गोल्ड की तरह। पूरे अर्थ आप पे फेथ कर रहा है। पूरा वर्ल्ड अपने डिवाइन सोल से प्यार करें। आपके अंदर सब कुछ है। यू हैव एवरीथिंग, एवरी ब्लेसिंग्स। यूनियन आपके खुद के साथ अचीव किया है आपने। अदर पीपल कैन सी योर मैजिक। आपके अंदर की डिविनिटी हो आप। बिलीव योर गिफ्ट्स एंड क्वालिटीज। एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल इन न्यू अर्थ। पीपल जो हैं वो आपको देख, आपसे उम्मीद कर रहे हैं। आपको देख रहे हैं, आपको फील कर रहे हैं। यू आर स्पेशल टू सो मेनी पीपल। दे रिलाई ऑन यू। बी रियल, हमेशा रियल रहें। रिफ्लेक्ट लव, स्प्रेड योर सेल्फ, रिफ्लेक्ट योर सेल्फ। अपना, आपका टाइम आ चुका है शाइन होने का, ग्रो होने का। लव योर सेल्फ। पीपल और लुक अप टू यू। ओके गाइज, ये उनके लिए था जिनकी इनर यूनियन हो चुकी है। मैं उनको बता दूँ जो इस जर्नी में न्यू आए हैं। आपको मैं बताती हूँ आज स्पिरिचुअलिज्म यानी क्या है। स्पिरिचुअलिज्म जो है वो, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या है एक्चुअल में। वो एक इनर वर्ल्ड है, इनर वर्ल्ड रियलिटी है, हैप्पीनेस है, क्योंकि इनर वर्ल्ड ही रियलिटी है और बाकी चीज़ें रिफ्लेक्शन है सिर्फ। इसमें विजुअलाइजेशन, अट्रैक्शन, बिलीव, मैनिफेस्टेशन, फेथ, इन पे काम करता है स्पिरिचुअलिज्म। बहुत सारे डायमेंशन है स्पिरिचुअलिज्म में। बहुत सारे टाइमलाइंस हैं, पैरेलल यूनिवर्स हैं और पोर्टल्स भी हैं जो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ आपको, कॉस्मिक एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट करता है, क्योंकि आप एक कॉस्मिक बीइंग होते हो। स्पिरिचुअलिज्म में हमेशा वननेस होती है, हमेशा फेमिनाइन मास्कुलिन की यूनियन होती है और पूरा अर्थ, आप यू आर एवरीवेयर, आप हर जगह होते हो, वननेस में होते हो, आप हर जगह रिफ्लेक्ट कर रहे होते हो। बाहर की चीज़ें सिर्फ रिफ्लेक्शन होती है, अंदर इनर वर्ल्ड में आपकी रियलिटी ट्रूथ होती है। आपके अंदर फेथ, डिविनिटी, ट्रस्ट और मिराकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा जब आप स्पिरिचुअलिज्म में आ जाते हो। आपका लव बहुत ही प्योर हो जाता है इनर वर्ल्ड में। बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल लव होता है। सोल शाइन कर रहा होता है। आप समझ जाते हो कि सब कुछ एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है। आपकी बॉडी जो है
वो रिफ्लेक्ट करती है, सोल जो है वो फेथ और डिविनिटी और गॉड को रिप्रेजेंट करता है। आप समझ जाते हो कि यू आर द क्रिएटर, आपको समझ आ जाता है कि कुछ भी डिवाइडर नहीं है, सब वननेस में है, मौज है। और स्पिरिचुअलिज्म ये सिखाता है कि हैप्पीनेस आपके सोल में है, आपके अंदर है। हैप्पीनेस, सोल हैप्पीनेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट और प्रायोरिटी मायने रखता है। आप समझ जाते हो जब स्पिरिचुअलिज्म में आते हो, तो आप समझ जाते हो, आपको ये नॉलेज दी जाती है और डिवाइन के थ्रू कि आपका हायर सेल्फ जो है वो रियलिटी है, वो सच है, और प्रेजेंट मोमेंट है वो डिविनिटी है, वो सच है। आप हमेशा रिफ्लेक्ट करने लग जाते हो हैप्पीनेस को जब आप स्पिरिचुअलिज्म में आते हो, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आती है। आपका फ्रीक्वेंसी काफ़ी लव फ्रीक्वेंसी में आ जाता है। आप कंप्लीटली अपने सोल को ट्रूथ फीड करने लग जाते हो। हमेशा अपने सोल के साथ कनेक्टेड रहते हो और समझ जाते हो कि गैलेक्सी का एक कॉस्मिक पार्ट हो आप। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्पिरिचुअलिज्म सिखाती है। आपको ये ट्रूथ सिखाती है कि आप क्या हो और रियल में आप क्या हो। ओके गाइस, होप आपको समझ आई होगी। बाय, टेक केयर।